केटल में हम क्या सिर्फ पानी गर्म कर सकते हैं? ऐसा बहुत लोगों को लगता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि एक छोटे से इलेक्ट्रिक केटल के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स। मेरा नाम है गरिमा। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी इनाल्सा की इलेक्ट्रिक केटल की अनबॉक्सिंग और दिखाऊंगी कि उसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या नहीं कर सकते हो। सो गाइज, बॉक्स को ओपन करते हैं। सो बॉक्स को ओपन करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो कर लेना। तो चलिए देखते हैं बॉक्स में से हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हमें मिला है एक वारंटी कार्ड और इंस्ट्रक्शन मैनुअल, एक मिला है हमें इलेक्ट्रिक केटल का बेस और एक मिला है इलेक्ट्रिक केटल। तो गाइज, अनबॉक्सिंग मैंने कर दी है, लेकिन अनबॉक्सिंग करते करते ना मुझे एक किस्सा याद आया है। इलेक्ट्रिक केटल हर फेस्टिवल पे ना आपके घर आएगी आएगी। लाइक अगर आपके घर में मान लो कोई दिवाली देने आया ना, तो सीजन में एक बार तो कोई ना कोई लेकर आएगा ही। अगर आपका भाई या बहन किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं गिफ्ट मिलेगी, या अगर आपको लगेगा कोई फ्रेंड्स दिवाली देने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी ला सकते हैं आपके घर में। बिकॉज क्या है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, लेकिन ये आती जरूर है। इसको कहीं ना कहीं हम एक सोन पापड़ी से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे सोन पापड़ी का डिब्बा एक घर से आता है और दूसरे घर चलता है और कहीं ना कहीं 10 घरों में वो घूमता घूमता पहुंच जाता है, तो इलेक्ट्रिक केटल भी एक ऐसा ही अप्लायंस है जो आता सब जगह से और घूम फिर के सबके घर में वापस पहुंच जाता है। अगर मैं आपको इसके यूजेस बताऊंगी ना कि आप इसको कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप किसी को अपने घर इसको सोन पापड़ी की तरह भेजेंगे नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक केटल की। तो ये जो केटल है गाइस, ये आती है स्टेनलेस स्टील की और इसकी जो वॉटेज है वो है 1350। इसके बेस पे आप देख सकते हैं एक रेड कलर की लाइट दी हुई, जब केटल ऑन होगी ऑपरेशनल होगी तब यहाँ पे रेड लाइट जल जाएगी। उसी के ऊपर ब्रांड नेम दिया हुआ है इनाल्सा का और यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर दिया हुआ है। ये स्टिकर आप रिमूव भी कर सकते हो अगर आपको नहीं चाहिए तो। अब ये दिखा देती हूँ आपको, ये आता है इसका हैंडल। हैंडल प्लास्टिक का आएगा। हैंडल के ऊपर गाइस एक बटन दिया हुआ है जिसमें 0 और 1 लिखा है। 0 मींस ऑफ एंड 1 मींस ऑन। उसके बाद आपको मैं एक लिड दिखा देती हूँ। इस लिड से आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं या जो भी चीज़ आपको गर्म करनी है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। फिर आता है इसका एक फिल्टर सीव। जैसे हम पानी गर्म करके अगर हमें निकालना है तो यहाँ से आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। वैसे केटल के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन आप एंड तक देखना, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ इसमें। ये आएगा केटल का बेस। यहाँ पर हम इसके ऊपर केटल को रख के अपनी केटल को प्लग इन कर सकते हैं। सो गाइस, इलेक्ट्रिक केटल में हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आपके माइंड में आता होगा कि हम इसमें पानी गर्म कर सकते हैं। मैं भी यही करती हूँ और शायद आप भी यही करते होंगे। उसके बाद हम अपनी डिप वाली चाय बना सकते हैं इसके अंदर, या हम ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर कॉफ़ी बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ ना कि इस केटल के अंदर हम जुगाड़ से क्या क्या बना सकते हैं, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। आज से कुछ साल पहले मैं सिंगापुर गई थी। वहां पर क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन फूड का इशू था। तो हमारी फैमिली प्योर वेजिटेरियन है, तो वहां जहां भी जाते थे ना, वहां पे एग को भी बोलते थे कि ये वेजिटेरियन है। सो हमने क्या किया, हमने इस इलेक्ट्रिक केटल के अंदर राजमा चावल, मूंग दाल का हलवा, शाही पनीर, हमने इसके अंदर ये बनाया था। आप सोच रहे होंगे कि गरिमा आपने राजमा चावल पनीर बनाया इसके अंदर तो कैसे बनाया, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने किया था। यहाँ पर क्या किया हमने, इसके अंदर इलेक्ट्रिक केटल के अंदर अच्छे से बॉइलिंग वाटर कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने पैकेट को बिना खोले, जो उसका रेडी टू ईट का पैकेट आता है उसको हमने बिना खोले उस पैकेट को इसके अंदर डाल दिया। वो भी शायद फॉयल जैसी पैकिंग थी कुछ, वो हमने इसके अंदर डाला और उसको जब मैंने ओपन किया ना 10-12 मिनट्स बाद, आप बिलीव नहीं करेंगे कि बिल्कुल इस तरीके से लग रहा था जैसे कि हमने अभी अभी रेस्टोरेंट से खाना मंगाया हो। तो जो लोग प्योर वेजिटेरियंस है ना, उनको तो मैं रिकमेंड करूंगी आप किसी भी होटल में जा रहे हैं रेडी टू ईट वाला खाना ले जाओ और उस केटल को अच्छे से यूज करके आना। एक चीज आपको और बता देती हूँ, मैंने इसके अंदर बनाई थी मैगी और मैंने इसके अंदर बनाई थी डायरेक्ट दूध वाली चाय। ये गलती मैं कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी अंटिल एंड अनलेस आपको बहुत इमरजेंसी हो कि आपको मैगी बनानी है उसके अंदर या दूध वाली चाय बनानी है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ आप इसमें और क्या क्या कर सकते हो, आप मैगी बना सकते हो, आप पास्ता बना सकते हो, आप दाल बॉयल कर सकते हो, चावल बना सकते हो, मैक्रोनी बना सकते हो। वंस इन अ वाइल अगर आपका मन हो तो कभी आप कर लेना, लेकिन आप बार बार इसको मत करना क्योंकि ऑलरेडी मैं ये कर चुकी हूँ और मेरी केटल खराब हो गई थी। अब अगर आपको लगता है कि आपको कहीं इमरजेंसी में इसमें मैगी बनानी पड़ रही है या दाल बॉयल करनी पड़ रही है, तो क्या करना, जैसे ही आप इसके अंदर मैगी बनाओगे या दाल बनाओगे तो अपनी केटल को ऐसे हिलाते रहना। हर 10-15-20 सेकंड्स बाद आप इसको हिलाओगे। ये जो केटल के ब्रांड्स हैं ये इसलिए रेकमेंड नहीं करते इनके अंदर मैगी दाल चावल वगैरह, बिकॉज इनका जो बेस होता है वो काफी पतला होता है और पानी तो क्या होता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि इसके अंदर सिर्फ आप पानी गर्म करना, बट आपको पता है इंडिया में तो जुगाड़ चलता रहता है। अगर कभी भी करना हो तो ध्यान रखना, इसको इस तरीके से ना ऐसे हिलाते रहना सो दैट हमारे बेस पर खाना जो है वो चिपके नहीं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इलेक्ट्रिक केटल का जो बेस्ट यूज है ना वो हम कहाँ कर सकते हैं। आपको पता है अब विंटर्स आ रही हैं, विंटर्स में क्या होता है, बेड से उठने का मन तो किसी का भी नहीं करता और सुबह सुबह जब गर्म पानी पीने की किसी को हैबिट हो ना तो आलस आ जाता है, कहाँ किचन में जाएं, पैन निकाले, पानी भरे और गर्म करें। इसका सबसे बेस्ट जो सोल्यूशन है ना वो ये है कि केटल को भर के अपने बेड के साइड पर रख लो, साथ में रख लो एक ग्लास,
जब मन करे इसका यहाँ से बटन ऑन ऑफ कर दो और गर्म पानी आपके पास। सो गाइज आपको ये केटल एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो आपको पता है दिवाली भी आने वाली है और दिवाली पर हमें चाहिए होते हैं बहुत ही अच्छे गिफ्ट्स गिफ्ट करने के लिए। सो आपको क्या करना है, अगर आपको ये बाय करनी है तो आपको स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करना है। आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में से आपको तो कोई ना कोई पक्का ये गिफ्ट करेगा, और अगर आपको उनको गिफ्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक केटल चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।